गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके टक जगदीश मूवी के मास फाइट सीन का रिएक्शन। एंड इसका जो हमने इंटरवल सीन देखा था वो बहुत ही जबरदस्त था एंड मजा आया उसको देखने में। एंड अब देखते हैं इसका जो ये मास फाइट सीन है उसमें क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक जो मूवी चल रही है उसमें यहाँ पे वीरेंद्र जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नानी को परेशान करने के लिए, लेकिन नानी जो है वो कहीं ना कहीं अपर हैंड अभी उनका आ चुका है। एंड वो अपने भाई की बात भी इतनी नहीं मान रहे, भोज बाबू की बात भी नहीं मान रहे। तो अब देखते हैं वीरेंद्र यहाँ पे क्या फार्मर्स को रोक पाते हैं अपने लैंड पे काम करने से, और क्या यहाँ पे नानी सक्सीड होते हैं वो करवाने में। तो देखते हैं फिर कैसा होता है। यस, हमने लास्ट सीन में तो ये देखा ही था कि नानी जी जो है वो MRO बन के आ चुके हैं, तो हमें पता ही था कि इसके बाद अब इनकी 1-to-1 फाइट होगी जो भी होगी। और अब इस सीन में ये लोग मतलब हमने देखा कि फार्मर्स अब अपने लैंड पे काम करने वापस जाने वाले हैं, जो इनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी जगपति बापू एंड उनके लिए। तो अब देखना रहेगा कि वहां पे ये लोग फार्मर्स को हटा पाते हैं या फिर उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, अपना लैंड फार्मर्स को देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इस सीन में क्या होने वाला है। तो बहुत कमाल का होते हैं, फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। వీరేంద్ర గారికి ఎదురెళ్ళి ధైర్యం వచ్చిందిరా మీకు, నాకు వదిలేసి కంపులకు పోండి, లేదంటే పేకలు తెగిపోతాయి। ఏంటయ్యా అలా చూస్తున్నారు, వాడు భయపడితే మనం భయపడిపోవాలా? నేను వెళ్తున్నా మరమ్మ, వద్దే అవన్ తీసుకో, వెళ్తే చచ్చిపోతావమ్మా, చచ్చినా పర్లేదు మరమ్మ, ఇలాంటి బతుకు బతకడం కంటే సావడమే మేలు। ఓ ఇంట్లో వేడుకు అయితే మా వీరేంద్ర దగ్గర పడుకో, నీ పౌరుషం అక్కడ చూపించు, ఇక్కడ కాదు। ఆగే ఉన్న వాసి వా షార్ట్ కేసే మారా, ఊపర్ సే వైట్ షర్ట్ పెన్ కే మస్త్ లగ్ రహే, ఔర్ యే తో వైట్ అండ్ వైట్ పర్ యే నమూనా లగ్ రహే, వైట్ అండ్ వైట్ ఓ మస్త్ క్లాసీ లగ్ రహే, వైట్ అండ్ బ్లూ। చిన్నప్పటి నుంచి మీ అందరిని చూస్తున్నాను, మీ కళ్ళల్లో కోపాలు చూశాను, మీ ఇళ్ళలో బాధలు చూశాను, మీ మాటల్లో తెగింపు చూశాను, ఇప్పుడేంటి కొత్తగా ఈ పిరికితను? ఏరా దిగుతారా, ముందు దిగినప్పుడు మొహం మాత్రం బాగా గుర్తెట్టుకుంటా, ఓకేస్కి మానే మరో మాట ఇచ్చాడు ఆ వద్దో లేదో అనుకుంటున్నారేమో, భూదేవపురం చిన్న కొడుకు నాయుడు గారు అబ్బాయి టక్కు చేసి మొదలెట్టండి చాలా सबसे पहले लेडीज ही आगे बढ़ रही है, शुरू। आओ बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हो सकता, पर वीरेंद्र कुछ कर नहीं रहा। इनकी तारीफ में गाना है कहीं ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ओले ये तो सबके पास होता ही है, मैंने देखा। फार्मर्स तक पहुंचने नहीं देंगे, जोरदार। नहीं पैंट होनी शुरू हो गया, शर्ट भी हो गया, वीरेंद्र
तेरे को अब कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि उसका किसका पंगा चल रहा है। भूल भी जा रहा है वो। वाह बाल की तो सिल्की सिल्की है। बेचारा पैंटी खराब। मैंने पटल ना इंट्लो उन्दर नहीं मर्ची पे ना मेरा कुछ तो ना दानी। ओ चंद्रमण दानी दिन अनंत के कॉल। ओए तरोते धन भेजो। अदा ना को सर्वे नंबर नोट में पैर बैठा स्मशान लो। आ गए बोस बाबू भी आ गए। భూదేవిపురం లో రైతుల్ని టచ్ చేయాలంటే మరో జగదీష్ నాయుడిని దాటాలి, నన్ను దాటినంత వరకు ఓకే. లే దాటితే ఇఫ్ యు క్రాస్ గ్యారెంటీ ఇవ్వలేను. वही बात जो उन्होंने गई थी। वीरेंद्र की तो यहाँ पे हालत खराब कर दी है, पूरा उसको पता लग गया। अब मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे हो जाएगा, बोस बाबू कहीं ना कहीं आगे आएंगे एंड यहाँ पे जगपति बाबू का जो अंदर का विलन होता है ना वो अब कहीं ना कहीं हमें बाहर देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे वीरेंद्र की तो मेरे ख्याल से हालत खराब कर दी है, उनके आदमियों को भी बुरी तरीके से मारा है एंड यहाँ पे उनको भी बुरी तरीके से एक उनका शायद पैर इंजर कर दिया है, उनको फ्रैक्चर वक्चर हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। एंड आगे जहाँ तक देखा जाए ना किस तरीके से लाइक वो स्टार्टिंग से वो सीन हुआ, वो सीन में कैसे वो लेडी वहाँ पे वो इतना प्योरली गाना गा रही थी एंड उसके साथ वो लोग कहीं ना कहीं वो फार्मिंग करते, वो इतना मतलब कैसे प्लेजेंट सीन लग रहा था। नॉर्मली आप जैसे फील्ड्स वील्ड देखो तो इतना मस्त लगता है एंड उसके साथ फिर वहाँ पे वो फाइट चालू होगी वो भी एकदम पूरे स्लोमो में रखी है, फिर वो गिर रहे हैं तो वो एकदम वो पानी है तो उसके अंदर से वो पानी का इफेक्ट अपने आप ही आ रहा था, वो बहुत ही जबरदस्त लगा। यस yes, वो पूरा व्हाइट शर्ट एंड दोनों ही व्हाइट शर्ट ऐसे पहन के आए थे फुल रेडी होके एंड वहाँ पे इन्हें पानी के अंदर फाइट करनी पड़ गई, बट वो देखने में काफी मजा आया बिकॉज वहाँ पे वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने बोला भी कि तुम अपनी फार्मिंग कंटिन्यू रखना, तुम अपना काम मत रोकना, और वो अपना काम कर रहे थे और यहाँ पे फाइट हो रही थी, पानी ऐसे उड़ रहा था एंड लाइक वीरेंद्र भी फिर बीच में आ गया था फाइट करने खुद से डंडा लेके, बट वो भी फिर उल्टे मुंह गया और जब वो फटाफट भाग रहा था ना जा रहा था तो उसके पीछे नानी जी भी फटाफट भाग गया कि कार के अंदर घुसना जाए तो, बट सिर्फ उसका पैर रह गया था और वो पैर ही उसने उन्होंने दबा दिया और वो तब लाइक जिस तरीके से वो पेन में वो हो रहा था ना उसके बाद उन्होंने डायलॉग बोला कि लाइक यू नो बीच में आना नहीं चाहिए, इनका काम तो चलेगा ही एंड उसके बाद उनके ब्रदर आए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्हें बातों में वॉर्न ही किया, बट वो भी अब एमआर है और वो भी अपने एक यू नो गोल के साथ आया कि वो पीछे तो नहीं हटेंगे एंड इन्हें जस्टिस दिला के ही जाएंगे तो आगे देखना रहेगा, बट ये सीन देखने में काफी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा करेंगे। अभी तक थोड़ा सा ठंडे टाइप रहे हैं अगर विलन देखे जाए तो दोनों पूरी मूवी में, और अब मेरे ख्याल से थोड़ा ये लोग अटैक ज्यादा करना शुरू करेंगे क्योंकि अब क्लाइमैक्स पास आना शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर क्या होता है आप लोगों को सीन कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए।